क्वेश्चन का सॉल्व हो जाना अंदर से कितनी खुशी देती है, बोलो है कि नहीं? क्या आती है बेटा एनर्जी उससे, किक मिलता है उससे? जब एक क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन बन जाता है फिर उसके बाद जो खुशी होती है, बोलो, उसका कोई कंपैरिजन नहीं बच्चा, है ना? इसलिए वो खुशी पानी है बेटा, वो खुशी पानी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, कितना मजा आता है। जब नहीं बनता है क्वेश्चन, एक बच्चा लिखा, दुख होता है, दुख नहीं होना चाहिए। नहीं बनता है तो दुख नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए क्वेश्चन के साथ। तुम मानो क्वेश्चन से तुम कभी हारते हो ही नहीं बच्चा। अच्छा बोलो तो क्या क्वेश्चन से कभी हम लोग हारते हैं बच्चा? क्या हम लोग क्वेश्चन से हारते हैं? बोलो, मुझे लगता है हम क्वेश्चन से कभी नहीं हारते हैं, हम लोग हमेशा क्वेश्चन से सीखते हैं बच्चा। बिल्कुल सही बात, उस्मान ने कहा कि हम सीखते हैं, बिल्कुल सही बात। एक क्वेश्चन अगर नहीं बनता है बच्चा तो उस क्वेश्चन से हम सीखते हैं कुछ। सर दुख नहीं होता, मन करता है सर पटक दें, सर नहीं पटकने का मन करता है। हम जब पढ़ते थे ना तो हमको बुक पटक देने का मन करता था, लगता कॉपी पेन कलम सब फेंक दो, ऐसा लगता था। फिर गए उठाए फिर पढ़े, पढ़े वापस, है ना? लेकिन किसी बात का टेंशन लेने का नहीं बच्चा, तनाव मन में नहीं आना चाहिए, है ना? जब क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, जब कोई क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चा, तो उसके एक आध घंटे समय तक वो क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहता है ना बच्चा? टेंशन को बैलेंस करना सीखो। सीएम शर्मा, टेंशन अगर हो रहा है इसका मतलब तेरा फ्री बॉडी डायग्राम में कोई दिक्कत है ना बच्चा? टेंशन अगर हो रहा है कहीं पे, इसका मतलब आपने फ्री बॉडी डायग्राम सही से बनाया नहीं, है ना? और फ्री बॉडी डायग्राम सही से बनाया भी है आपने तो इक्वेशन लिखा नहीं सही से। चलो पढ़ाई किया जाए बच्चा। तो देख बच्चा, पिछले सब क्लास में हम लोगों ने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे बच्चे, और हम लोग ये पता कर रहे थे कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है ना बच्चा? और फिर हमने एक आखिरी सवाल किया था, इतना लंबा सवाल था ना, और इतना लंबा सवाल हो गया कि तो स्क्रीन से बाहर हाथ निकल गया, है ना? मतलब सवाल को दो पार्ट में वार्डन चेक किए थे हम लोग, और ये साबित हुआ था कि वो कंजर्वेटिव है ना बच्चा? लेकिन वो सवाल लंबा हो गया बेटा, ठीक है? उसी तरह के सवाल को करने का एक मेथड है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी हायर मैथमेटिक्स देखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चा? तो चल थोड़ी सी हायर मैथमेटिक्स की बात की जाए, उसकी मदद से हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का फैसला बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है बच्चा? देखो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन की, ठीक है? जैसा कि इसका नाम है, क्या पार्शियल, पार्शियल मतलब क्या होता है बेटा? पार्शियल मींस व्हाट? बोलो बोलो, पार्शियल मींस क्या, कोई जवाब दो। किसी ने लिखा आधा, किसी ने लिखा पार्ट बाय पार्ट, कोई लिखा थोड़ा सा, कोई लिखा इनकम्प्लीट, किसने कहा बाय पार्ट, वैभव कर रहा है आधा अधूरा, प्रियांशी बोली नॉट फुल, दक्ष बोल रहा है भेदभाव। और बोलो, वांट सम मोर फनी कमेंट, विकास सेज आंशिक, पार्ट कर रहा है कुछ, अनिकेत कर रहा है पार्ट डिफरेंशिएशन, अंकिता बोली एक तरफा, अपोजिट ऑफ फुल, डी लिखा है बॉलीवुड। एग्जिस्टिंग इन वन पार्ट,
एक किसी को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करना। एकदम सही बात बच्चा, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब काम पूरा नहीं करना है, पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं करना है, मतलब सारे वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है ना बच्चा। तो देख इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है बेटा बेसिक मीनिंग डायरेक्शनल डिफरेंशिएशन, है ना बेटा, डायरेक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब क्या, किसी एक खास डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करना। तो बोलो तो बच्चा, अगर तुम एक्स डायरेक्शन में मूव करोगे, है ना बेटा, अगर तुम एक्स डायरेक्शन में मूव करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट रहेगा ना कांस्टेंट, है ना बच्चा। अगर तुम वाई के डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करोगे, वाई के डायरेक्शन में मूव करोगे तो एक्स और जेड रहेगा कांस्टेंट, है ना बच्चा। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा हम लोग, कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चा, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना बेटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन कौन सा वाला, पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना बच्चा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में क्या कहा जाएगा बेटा, वाई एंड जेड को क्या माना जाएगा बेटा, इसको माना जाएगा कांस्टेंट, है ना बच्चा। और वैसे ही मैं कहूं बेटा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, है ना बच्चा, तो क्या कहोगे बताओ, इसमें एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट, है ना बेटा। उसी तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड कहूं बेटा तो एक्स एंड वाई कांस्टेंट, है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन है बच्चा, फंक्शन क्या है, p इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर फोर, है ना बेटा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर फोर कोई फंक्शन है बेटा p, है ना। अगर मैं करता हूं बेटा पार्शियल डेरिवेटिव का ये सिंबल है डेल, डेल p अपॉन डेल x, तो क्या माना जाएगा, y और z माना जाएगा कांस्टेंट, सिर्फ मानेंगे हम लोग x को वेरिएबल, है ना बेटा। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन बाकी को जस का तस छोड़ देंगे, है ना बेटा। और अगर मैं कहूं डेल पी अपॉन डेल वाई तो क्या कहोगे, सिर्फ वाई माना जाएगा कांस्टेंट, वाई माना जाएगा वेरिएबल, बाकी दोनों माना जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे बच्चा, वाई क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे और जेड को वैसे ही छोड़ देंगे, है ना बेटा। और अगर मैं कहूं डेल पी अपॉन डेल जेड, है ना बच्चा, तो क्या कहेंगे इसमें हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा बेटा फोर जेड क्यूब। बात समझ गए होगे सब लोग, है ना बेटा, लिख ले इसको। डेल और डी में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सही कहा तुमने, डी तो डी है बेटा, मतलब पूरी तरह डिफरेंशिएशन, लेकिन जब पार्ट में करना होगा तो डेल लिखेंगे, है ना, सिंबल है बेटा सिंबल, और क्या कहो। उसे क्या कहें, उसे यूज क्या है इसका, बताएंगे अभी, वेट कर लो, लिखो पहले इसको। हाँ बेटा, ये पलाई टॉपिक है आज का, आज थोड़ी बात करने लगे हुए हम लोग, दो चार मिनट मेरे को लॉगिन करने में लेट हो गया और चार पांच मिनट हम लोगों ने ज्यादा बात कर ली, इसलिए अभी का ये पलाई बोर्ड है। अब चलो बच्चा, अब इसका देखा जाए एप्लीकेशन, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और किसमें इस्तेमाल करेंगे, देखो बच्चा इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग बेटा, एक मैथमेटिक्स की चीज है जिसे कहा जाता है बेटा डेल
ऑपरेटर, ठीक है बच्चा, इसका नाम है क्या, डेल, इसको पढ़ोगे क्या, डेल ऑपरेटर, है ना बच्चा। अब समझो ऑपरेटर बच्चा ये क्या है, ऑपरेटर है ये, कोई क्वांटिटी नहीं है, है ना बेटा। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं बेटा ए प्लस बी, है ना, तो क्या कहोगे, ए एंड बी आर क्वांटिटीज, ए एंड बी आर क्वांटिटीज बट प्लस इज एन ऑपरेटर, है ना बच्चा, बोलो ठीक है। अगर मैं कहूं ए इंटू बी, है ना बेटा, तो क्या कहेगा, ए एंड बी आर क्वांटिटीज एंड दिस मल्टीप्लीकेशन साइन इज ऑपरेटर, है ना बच्चा। अगर मैं कहूं डी वाई बाई डी एक्स, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना बेटा, तो क्या बोलेगा, वाई एक क्वांटिटी है लेकिन डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, है ना। तो वैसे ही समझ बेटा, डेल भी हमारा एक ऑपरेटर होता है, है ना। और ये ऑपरेटर कैसा होता है, ये होता है बेटा डेल इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, समझे बच्चा, ये एक ऑपरेटर है ना। ये चीज एक मैथमेटिक्स की है बेटा, है ना, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, डेल ऑपरेटर, ठीक है बच्चा। अब बोलेंगे देखो, इफ इफ ए वेक्टर, कोई ऐसा एक वेक्टर हो बेटा, है ना, इज पाथ इंडिपेंडेंट, है ना बेटा, ए क्या हो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, है ना बच्चा, ए क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो क्या होता है, देन देन डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, समझे बेटा, डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, समझे बच्चा। अगर डेल का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए और उसका रिजल्ट जीरो आ जाए तो हम कहेंगे ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है बच्चा। ये हमारी मैथमेटिक्स की चीज है बेटा, है ना। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आवर पर्पस, आवर पर्पस, ठीक है बेटा, है ना। हमारा पर्पस क्या हो जाएगा, तो हम लोग का पर्पस ये है बेटा कि हमें चेक करना है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है ना बेटा। तो हम कहेंगे ए की जगह पे मैं लिख दूंगा बेटा क्या, फोर्स एफ वेक्टर, है ना बेटा। तो एफ अगर पाथ इंडिपेंडेंट होगा बेटा तो डेल क्रॉस एफ जीरो हो जाएगा, है ना बच्चा। और डेल क्रॉस एफ अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि एफ वेक्टर हमारा क्या है बेटा, कंजर्वेटिव है, है ना। और अगर जीरो नहीं हुआ इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव है, है ना। जो दिखाता हूं बेटा तुम्हें इसका इस्तेमाल करके, जैसे कि पिछले साल क्लास में हम लोगों ने बेटा इसका एक फोर्स देखा था, क्या देखा था याद करो, हमारा फोर्स क्या था बेटा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना बेटा। ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है ये चेक करना है, तरीका सीखो बेटा सब लोग। डेल क्रॉस एफ, है ना, इसका मतलब डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल जेड के कैप, है ना बच्चा। इसका हम लोग कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, किसके साथ, फोर्स के साथ, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अच्छे से एक एक शब्द को ध्यान से सुनना बच्चा। तो देखो बेटा अगर मैं कहूं आई क्रॉस आई, तो बोलो बेटा आई क्रॉस आई कितना होता है, आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, है ना बेटा, छोड़ दिया उसको, ठीक है। अब बोलो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, तो आई और जे का होता है बेटा के कैप, है ना। तो देखो बेटा जीरो हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नॉन जीरो हो जाए, जैसे कि आई क्रॉस जे नॉन जीरो हुआ ना बेटा, तो अगर जब ये नॉन जीरो होगा, अगर जब ये नॉन जीरो होगा तो क्या करना कि इसकी वाली क्वांटिटी को, इसकी वाली क्वांटिटी को यहां पुट कर देंगे, समझे बच्चा। अगर नॉन जीरो हो जाए
तो इस वाले क्वांटिटी को यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है बच्चा, अब बोलो जे क्रॉस आई क्या होगा बेटा, माइनस के कैप, ये होगा माइनस के कैप। तो अब ये क्या, ये पुट कर देंगे बेटा यहां, तो क्या होगा अब ये वाला पुट हो जाएगा। अगर देखो जे क्रॉस आई हो गया क्या हमारा बेटा, माइनस के कैप, तो अब इसको उठा करके यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल वाई, है ना बच्चा। और जे क्रॉस जे जीरो होता है तो ये जीरो हो गया बेटा, है ना। अब देखो बेटा के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा बेटा, के क्रॉस आई इज जे कैप, के क्रॉस आई इज जे कैप, तो इसको डाल दो यहां पे, ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल जेड। ठीक है बेटा, फिर प्लस, अब देखो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इज माइनस आई, अब इसको डाल दो यहां पे, डेल एक्स बाई डेल जेड। ठीक है बच्चा, ये बात समझ गया ना। अब क्या हो जाएगा देखो बेटा, ये तो जीरो खत्म, ये क्या हो गया प्लस के कैप, ये क्या आ गया माइनस के कैप, है ना बच्चा। देखो वाई का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड के लिए तो वाई कांस्टेंट, तो ये हो गया जीरो, है ना बच्चा। जेड के लिए एक्स भी कांस्टेंट, तो ये भी हो गया जीरो, तो क्या आ गया तुम्हारा, देखो जीरो आ गया ना बेटा। इसका मतलब जो फोर्स हमारा है ना बेटा, वो कॉन्जर्वेटिव है। बात समझ गए, ये फोर्स क्या है बेटा, कॉन्जर्वेटिव है। ठीक है, लिख ले इसको। अच्छे से समझ के लिखो बेटा, बेटा ध्यान से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बच्चा ऐसे ही कर, डिटरमिनेंट में तुमको नहीं आता क्या बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, इससे ही करो, कर सकते हैं कि मत करो, इससे ही करो। सेम टू यू सीएम शर्मा, thank you.
नहीं बच्चा, हर क्वेश्चन में ही लेके चलना है बच्चा। ठीक बेटा, अब चलो इसी मेथड से इसको चेक करके बताओ। दूसरा एग्जाम्पल में इसको चेक करके बताओ बच्चा, ये क्या आ रहा है। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, देखो बच्चा आसान तरीका क्या, देखो जैसे यहां देख बेटा, मैंने के कैप लिखा है ना, लेकिन इसका इससे क्रॉस करके फायदा नहीं है, दिखा तुमको ना बेटा, क्योंकि इसमें जेड का कोई फंक्शन है ही नहीं। जब जेड का फंक्शन नहीं है बेटा और जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो हमेशा ही जीरो हो जाएगा, है ना। और अगर ये हमेशा ही जीरो हो जाएगा तो इसका फायदा नहीं मिलेगा हमको बेटा, इसका मतलब ये स्टेप आगे करके फायदा नहीं है। चलो करो, हर्ट्ज का आया नॉन कंजर्वेटिव, क्वासी का आया कंजर्वेटिव, अनिकेत का आया नॉन कंजर्वेटिव, विकास आर्या नॉन कंजर्वेटिव, संदीप नन, अंशिल भी नॉन कंजर्वेटिव, दीपक का -2 के कैप नॉन कंजर्वेटिव, लुभावनी का भी, दीपक का भी, करण नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही कहा। जैसे कि देखो यही लिख दूं मैं, ये अगर माइनस हो गया बेटा तो ये भी हो जाएगा माइनस, है ना बेटा। तो आई क्रॉस जे जब करेंगे यहाँ पे आई क्रॉस जे, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस, है ना। और जब ये में जे क्रॉस जे करोगे तो ये माइनस जीरो होगा और ये माइनस होगा, बस यही अंतर होगा बेटा। तब यहाँ जब कहेंगे बेटा तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, तो ये आ जाएगा जीरो नहीं होगा बेटा। और अगर जीरो नहीं होगा तो एफ वेक्टर हो जाएगा क्या बेटा हमारा, नॉन कंजर्वेटिव, है ना। चलो एक और सवाल बनाओ, तीसरा सवाल, एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, करो तो एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। करो बच्चा, दीपांशु हर्ष कंजर्वेटिव, अनिकेत संदीप भी कंजर्वेटिव, उस्मान कंजर्वेटिव, अभी विकास
क्वाजी, इन सब का आया कंजर्वेटिव। वैष्णवी कंजर्वेटिव, लुभावनी कंजर्वेटिव, करण विकास, इन सबका कंजर्वेटिव। चलो अली हैदर का भी आया वही। चलो मैं भी देखता हूं बेटा, वैसे ही करें फिर से वापस। डेल क्रॉस एफ, डेल हमारा क्या बेटा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, है ना बच्चा। इसका हमें करना है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, है ना बच्चा। देखना रे, आई क्रॉस आई तो ये हो गया बेटा जीरो, आई क्रॉस जे तो ये हो गया बेटा के। अब जब के हो गया तो इसको डाल दो इसके अंदर, तो क्या हो गया बेटा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, है ना बेटा। फिर देखो जे क्रॉस आई ये हो गया बेटा माइनस के कैप, क्या हो गया ये डेल एक्स वाई स्क्वायर बाई डेल वाई, है ना बेटा। जे क्रॉस जे हो गया जीरो, है ना बच्चा। अब गौर कर क्या दिख रहा है बेटा कि इसमें तो जेड का कोई फंक्शन है ही नहीं, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो हर बार जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा जीरो। दैट इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, क्या आ गया बोलो, ये हो गया टू एक्स वाई के कैप, और यहाँ क्या आ गया, ये भी आ गया टू एक्स वाई के कैप, है ना बेटा। ये जीरो हो गया ना, जीरो हो गया मतलब ये फोर्स हमारा हो गया बच्चा क्या, कॉन्जर्वेटिव। ये फोर्स हमारा क्या हो गया बेटा, ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स हो गया। बात समझ गया ना, लिख लो। एक्स वाई स्क्वायर होगा कहां बेटा, इसका डिफरेंशिएशन में क्या होगा टू एक्स और इन टू वाई, तो टू एक्स वाई, यहां देख बेटा एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई, ये भी हो गया टू एक्स वाई, है ना। इरेज कर रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं, है ना। अब आया जाए पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। हेडलाइन दो, तो देख बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कहा था हमने बेटा, क्या कहा था बोलो, हमने कहा था बेटा एनर्जी, एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन, है ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो कहोगे बेटा सिस्टम के सजावट की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चा। सिस्टम के सजावट की जो एनर्जी है बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है बच्चा। अब मुझे बताओ अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करना चाहते हैं बच्चा, इसका मतलब हम इंटरनल की बात करना चाहते हैं या एक्सटर्नल फोर्स की बात करना चाहते हैं, बोलो बच्चा। इंटरनल फोर्स की बात करना चाहते हो, अच्छा ये बताओ बच्चा इंटरनल फोर्स अगर वर्डन कर रहा है, इसका मतलब बताओ वर्क करने के लिए सिस्टम को एनर्जी बाहर से मिल रही है
या सिस्टम खुद ही अपनी एनर्जी खर्च कर रही है? बोलो बच्चा। सेल्फ में बच्चा खुद का एनर्जी खर्च कर रहा है ना, तो मुझे बताओ क्या लगता है तुम्हें कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स से अगर वर्डन हो रहा होगा तो सिस्टम की एनर्जी घटी होगी या बढ़ गई होगी? घट गई होगी ना बच्चा, बिल्कुल सही। क्या लिखेंगे हम लोग, तो देख कैसे लिखेंगे। लिखेंगे बेटा कि इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क, है ना बेटा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है ना बेटा, तो क्या कहोगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस बाय सेम अमाउंट। समझा बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स से जितना वर्क होगा, है ना, समझना, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी घट गया। ठीक है बच्चा, तो बताओ अगर कंजर्वेटिव फोर्स 20 जूल वर्क डन किया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल घट गया बच्चा, है ना। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स माइनस जूल वर्क डन किया बेटा, माइनस 20 जूल किया वर्क डन, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल बढ़ गया। ठीक है बच्चा, कैसे लिखेंगे हम लोग, देख कैसे लिखेंगे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। यू क्या है बच्चा, यू हमारा है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, यू हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल सकते हैं इसको, डी डब्ल्यू सी बराबर माइनस डी यू, है ना बेटा, डी डब्ल्यू सी बराबर माइनस डी यू। ठीक है, लिख लो। लोकेश बेटा, मैंने ये लिखाया कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के जैसा है बच्चा, है ना। अगर सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्स यूज करके वर्क करता है तो जितना वो वर्क करेगा बेटा, उतने से ही पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। ठीक है, तो देख बेटा, अभी मैंने कहा डी डब्ल्यू सी का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना बेटा। इसमें क्या लिख दोगे, इसमें लिखोगे बेटा डी यू इक्वल टू माइनस, यहां ले आओ तो हो गया माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर, एफ डॉट डी एस, है ना बेटा, डीएस को मैंने बोल दिया डी आर। तो देख बच्चा, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब सबको पता है ना बेटा, स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या, तो कहते हैं मल्टीप्लीकेशन इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब फोर्स और ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, है ना बच्चा। तो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं बच्चा, तो क्या कहेगा, एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर आर कैप, है ना बच्चा। मतलब क्या हुआ, फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया बेटा, आर कैप में, है ना। इसका मतलब
अगर हमें फोर्स एक्स में चाहिए होगा तो क्या कहेंगे, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। अगर फोर्स हमें वाई में चाहिए होगा तो क्या करेंगे, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, है ना बच्चा। अगर फोर्स हमको जेड में चाहिए होगा तो क्या करेंगे, तो फोर्स इन जेड इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल जेड, है ना बेटा। अगर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आर के फॉर्म में हो तो ऐसे करना डिफरेंशिएट, है ना बच्चा। लेकिन अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो तो ऐसे करना डिफरेंशिएट, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। चलो बच्चा क्वेश्चन देख दो। एक क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज यू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। चल माइनस एक्स वाई, ठीक है, कहता है फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ ए मास रिलीज्ड एट मास 2 kg, रिलीज्ड एट 2.3। बनाओ तो, बनाओ बेटा इसको। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल देना बस। आया है बच्चों का आंसर कुछ?
चल देख बच्चा, देख बेटा, अगर मैं कहूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और मुझे चाहिए बेटा फोर्स एक्स में, तो एक्स में क्या कहा था मैंने, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, है ना बेटा, एक्स वाला फोर्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ये हमारा इसका डिफरेंशिएट कर बच्चा, तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, है ना, और एक्स के डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा वाई, ठीक है बेटा। अब चल फोर्स वाई में क्या कहेगा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो ये आ गया बेटा प्लस एक्स, इसका मतलब फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया बेटा, वाई आई प्लस एक्स जे दैट इज इक्वल टू थ्री आई प्लस टू जे, बोल बच्चा होगा थ्री आई प्लस टू जे, इसका मतलब बेटा एक्सिलेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो कहोगे फोर्स वेक्टर बाई मास, इसका मतलब थ्री आई प्लस टू जे बाई टू, सो एक्सिलेशन का क्या हो गया बेटा मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 13/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा लिख ले। हाँ बनाओ तो बेटा इसको, सर हम कभी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते क्या, या सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं? तेरा सवाल बिल्कुल सही है, थोड़ा सा वेट कर ले। नहीं बेटा, कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, सिंपल फॉर्मूला। करो बच्चा, इसमें कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं बेटा। नवदीप का आंसर आया, अभी अली हैदर का भी आया, मास की जरूरत नहीं बेटा, खाली फोर्स निकालना है, उत्कर्ष का आया, उस्मान का आया। करो बच्चा करो, लुभावनी का भी आंसर आया।
देख बच्चा, इस जगह निकाले हम लोग 4 sin x, तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स है ना बेटा। तो देख दो, कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन, और माइनस पहले से भी है तो क्या हो गया बेटा, प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक बेटा। और फोर्स अगर वाई में कहें तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है बच्चा। तब देखो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स इज पाई बाई टू, तो अभी कंडीशन में क्या आ गया बेटा, एट एट पाई बाई थ्री कॉमा पाई बाई सिक्स। अब अगर तुम फोर्स पुट करते हो बेटा, तो फोर्स हो गया साइन पाई बाई टू आई कैप प्लस साइन पाई बाई टू जे कैप, इसका मतलब बेटा आई कैप प्लस जे कैप, इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड रूट टू न्यूटन, समझ गए बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखो, करो टेन कॉमा जीरो पे 100 जूल थर्ड पार्ट में। उस्मान का आंसर आया, विकास का आंसर आया, हाँ दीपक दोनों में ओरिजिन ही है, पार्ट ए पार्ट बी में।
वैष्णवी का भी आया, शिवम का आया, चल देख बेटा सॉल्यूशन में। देख बेटा डी यू इक्वल टू क्या कहा था हम लोगों ने, माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखना बच्चा ये हमारा क्या है, माइनस टू एक्स आई कैप, ये है बेटा माइनस ऑफ माइनस टू एक्स आई कैप, ध्यान देना रे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डी आर इन जनरल कैसा पुट करोगे, लिखोगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x और y कोल्ड बेटा है, अगर इसमें x y z अगर तीनों हो तो कहना डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, है ना बेटा। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी कहेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बेटा टू एक्स डी एक्स, है ना बेटा, u इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी क्यों, क्योंकि लिमिट दिया हुआ नहीं बच्चा, है ना। तब क्या करोगे फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में कहता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन हमें जीरो मानना है बेटा, ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एट जीरो कॉमा जीरो यू इक्वल टू जीरो, पुट कर ले बेटा, तो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, इसका मतलब सी का वैल्यू जीरो बेटा, अगर सी का वैल्यू जीरो हो जाए तो इसमें पुट कर लो, u इक्वल टू क्या हो गया ओनली x स्क्वायर, है ना बेटा, और कहां निकालना था हमको 3.5 पे, इसका मतलब एट 3.5 u इक्वल टू कितना बेटा, तो 3 का स्क्वायर 9 जूल, है ना बेटा। सेकेंड पार्ट में देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में कहता है एट 0.0 u इक्वल टू 10 जूल, है ना बेटा, तो इसको पुट कर ले फिर से, इसमें क्या लिख देगा 10 इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस सी, मतलब सी आ गया कितना बेटा 10 जूल, है ना। तो अगर इसको यहां पुट करोगे तो क्या बन गया u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो अगर तुम्हें निकालना है 3.5 पे तो क्या हो जाएगा बेटा u इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 10 इक्वल टू 19 जूल, है ना बेटा। अब देखो सी वाले पार्ट में, सी पार्ट देखा जाए बेटा, सी पार्ट में कहा गया है कि 10.0 पे 100 जूल है, इसका मतलब 10.0 पे बेटा यू हमारा है 100 जूल, इसका मतलब क्या हो गया यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, पुट कर बेटा, तो जीरो इक्वल टू 100 इक्वल टू जीरो प्लस सी, इसका मतलब C इक्वल टू 100 जूल, है ना बेटा। देख C कितना आ गया हमारा, ये आ गया बेटा 100 जूल, है ना, ठीक है, सॉरी 10 का स्क्वायर ना बेटा, तो C जीरो आ गया, है ना। C अगर जीरो हो गया बेटा, इसका मतलब U इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक बेटा, और कहां निकालना था हमको, तो एट 3.5 U इक्वल टू 9 जूल, समझ गए, फर्स्ट और थर्ड में सेम आंसर, नोट कर ले बच्चा। सर क्या हम u का लिमिट u1 से u2 और dx का लिमिट x1 से x2 ले सकते हैं, ले सकते हैं बच्चा, ले सकते हैं, लेकिन फिर वहां x1 x2 और u इतने सारे हो जाएंगे ना अननोन,
चल निकल बच्चे, होमवर्क निकाल। बोलो होमवर्क क्या था? एक्सरसाइज टू पार्ट वन 6 to 10, पार्ट टू 6 to 11। निकल बच्चा। एक्सरसाइज टू पार्ट वन निकाला जाए पहले। एक्सरसाइज टू पार्ट वन। बोलो बच्चा, 6, 7 हो गया, 8, 9। 6 और 10 पूछना है। 6, 8, 10। 6, 8, 10 टू पार्ट वन में। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है ए स्मॉल पार्टिकल slides along a track, sides along a track with elevated ends and has a flat central part as shown in the figure. The flat part has a length of 3 meters. The curved portion of the track are frictionless, but for the flat part, the coefficient of kinetic friction is 0.2. The particle is released at point A, which is at a height 1.5 meter above the flat part of the track. The position where the particle finally comes to rest is, finally कहाँ रुकेगा? देख बच्चा, ये मान ले कोई ट्रैक, ये मान ले बेटा कोई ट्रैक, कहते यहां से एक बॉडी को छोड़ा बेटा, कितने हाइट से? 1.5 मीटर से, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, है ना बेटा? तो अब सवाल कहता है कि यहां से हम छोड़ेंगे बेटा तो इस सरफेस पे कहां रुकेगा। सवाल में लिखा है कि ये सब पार्ट जो है बेटा वो स्मूथ है, इसमें कोई रफनेस नहीं है बेटा, है ना? ठीक है, अब सोचो, मान लो कि अगर ये होता बेटा स्मूथ सरफेस, तो क्या ये बॉडी कभी रुकता? कभी रुकता नहीं बेटा, यहां जाता फिर यहां आता फिर यहां जाता फिर यहां आता, ऐसे बेटा ये ओसिलेट करता रहता ना, है ना? इसका मतलब रुकने का जिम्मेदार कौन है? तो ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है ना बेटा। तो ऐसा कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट लेट टोटल डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, कवर्ड ऑन फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे टोटल डिस्टेंस मान लो कवर किया एक्स, है ना बेटा, और बॉडी कहीं बीच में रुक गया, तो क्या कहोगे? वहां से लेके फाइनली तक वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल इक्वल टू डेल्टा के। ग्रेविटी का बेटा वर्क डन mg इनटू 1.5, नॉर्मल का वर्क डन 0, फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू mg x इक्वल टू डेल्टा के बेटा 0 हो गया ना। इसका मतलब देख बच्चा, x इक्वल टू क्या हो गया? 1.5 बाई म्यू, 1.5 बाई 0.2 इक्वल टू 7.5 मीटर ना बच्चा। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि रफ सरफेस पे इन टोटल 7.5 मीटर मूव करेगा, है ना? अब कैसे मूव करेगा देखो, ये मूव कैसे करेगा बेटा? देखो, यहां से इधर आया, ये गया बेटा कितना ऊपर? तो 3 मीटर, ये हो गया बेटा 3 मीटर, फिर ऊपर गया, फिर यहां से आया, फिर ये गया बेटा 3 मीटर, है ना? और फिर यहां ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब देखो यहां से मूव करेगा 1.5 मीटर, तो यहां कहीं रुकेगा ना बच्चा? तो कहां रुका? 3 + 3 + 1.5, इसका मतलब सेंटर पे ना बच्चा, मिड पॉइंट पे ना। अब देखो 7, एक्सक्यूज मी,
देख बच्चा सेवन में क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कि ए कार ऑफ मास एम स्टार्ट मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू लॉ. कहता है बेटा इसका वेलोसिटी वेरी कर रहा है कैसे, v इक्वल टू बीटा रूट s. द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट टी सेकेंड. पहले टी सेकेंड में कितना वर्क डन होगा यह सवाल पूछा है. तो देख बेटा बिल्कुल क्लियर है ये कि वर्क डन उतना ही होगा जितना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया होगा. और काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ गया होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर. वी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, बीटा स्क्वायर एस. इसका मतलब हो गया एम बीटा स्क्वायर एस बाई फोर, है ना. लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा है बच्चा, ऑप्शन में है टाइम फंक्शन ना, लेकिन हमारा आ गया बेटा एस फंक्शन. तो हमें इस एस को टी में चेंज करना पड़ेगा बेटा. ये इक्वेशन नंबर वन मान लो और इसको लिख लो डी एस बाई डी टी इक्वल टू बीटा रूट एस. डी एस बाई रूट एस इज इक्वल टू बीटा डी टी इंटीग्रेशन. क्या कर देंगे बेटा, जीरो से टी और जीरो टू एस, है ना बेटा. तो इससे आ गया एस फंक्शन ऑफ टी. इसको यहां पुट करो आ जाएगा बेटा आंसर, है ना. आगे चलो फॉर्मूले में बेटा डिस्प्लेसमेंट तभी लेते हैं, है ना बेटा, जब क्या हो फोर्स कांस्टेंट हो, है ना. अब देखो बेटा आठ नंबर और दस नंबर. देख बेटा आठ नंबर कहता है काइनेटिक एनर्जी द ग्राफ बिटवीन रूट ई एंड वन बाई पी, रूट ई और वन बाई पी. तो ई जो है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी है. कितना लिखते हो इसको, हाफ एम बी स्क्वायर. और क्या लिखते हैं बेटा, पी स्क्वायर बाई टू एम. अगर इसको रूट ई कर दें तो जाएगा पी बाई स्क्वायर रूट टू एम. मास तो होता है बेटा कॉन्स्टेंट में, तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पी. समझ गए, पूछा वन बाई पी, वन बाई पी पूछा ना बेटा. इसका मतलब क्या कहोगे, रूट ई वन बाई पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट y into x equal to constant rectangular hyperbola option number c. अब देखो दस नंबर देख बच्चा. दस नंबर कहता है टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम lies on a smooth horizontal surface. The free end of the spring is being pulled towards right with a constant speed 2 m/s. t बराबर जीरो पर स्प्रिंग ऑफ द कॉन्स्टेंट 100 N/cm इज अनस्ट्रेच्ड एंड द ब्लॉक हैज ए स्पीड 1 m/s टुवर्ड्स लेफ्ट. कहता है मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा. देख बच्चा देखो बच्चा इस वाले पॉइंट को कॉन्स्टेंट स्पीड 2 m/s से मूव कराया, है ना बेटा. तो अब बताओ अगर आप यहां आके खड़े हो जाए, है ना, और सवाल में लिखा है कि स्पीड कांस्टेंट, तो बोल बेटा इस ऑब्जर्वर के लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए क्या कहोगे, इनर्शियल फ्रेम या नो इनर्शियल फ्रेम. बोल बच्चा उस फ्रेम के लिए इनर्शियल या नो इनर्शियल, बोलो बोलो. इनर्शियल ना बच्चा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है. तो देखो बेटा इसका दिया हुआ था स्पीड कितना, 1 m/s, है ना बेटा. इसका दिया था स्पीड हमारा 1 m/s, है ना बेटा. उल्टा था क्या, हाँ बेटा इधर था 1 m/s, समझे. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसका, बोलो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा तो कितनी हो जाएगी स्पीड, 3 m/s, है ना बेटा. और ये क्या देखेगा, रेस्ट में. तो पूछा है मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, जहां मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा बेटा वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है. अब यहां से यहां लगा ले बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बेटा.
अब चल बेटा अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा अपोजिट में, है ना, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ यहां से यहां जाने में वर्क इनर्जी हम लगाओ, आ जाएगा बेटा आंसर, है ना। और चलो आज के लिए इतना ही हो बेटा, अभी छोड़ रहा हूँ क्लास तुम लोग का। तुम लोग क्या करो कि बाकी आगे जो हमारा है ना, ठीक, डीपीपी में आगे बढ़ो, 2 DEP कर लो, है ना बच्चा। सीट में अभी कोई होमवर्क नहीं है, चल बाय बच्चा। अभी छुट्टी मिलेगी 2 दिन के ना बच्चा, 2 दिन की छुट्टी में चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो, फुल्ली फोकस अभी रिविजन पे दो, चलो।